नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों को क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि ट्यूसडे के दिन हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल रहना चाहिए और क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। दोस्तों आज के लेवल के लिए, आज के लाइव एनालिसिस के लिए लाइक बनता है यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी कभी 400-500। और अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट पे ज्वाइन नहीं किए, सही में बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाइए अभी कभी जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों पिछली बार जो लेवल दिया था फ्राइडे के दिन 300 पॉइंट का मोमेंटम दिया था, लोगों ने 2 लाख तक प्रॉफिट कमाया। इवन यहां पे आप देख सकते हैं लाइक 13,000 प्रॉफिट, 2 लाख प्रॉफिट एंड 8,000 प्रॉफिट, 10,000 प्रॉफिट, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट गया पिछली फ्राइडे को जो लेवल गया था। इवन आज भी आप देख सकते हैं दोस्तों सुबह सुबह में दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस वगैरह सब कुछ मैं सेंड कर दिया था, आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद क्लियर कट एक लाइव एनालिसिस दिया, चार्ट वगैरह सब कुछ ड्रॉ करके बताया था कि ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, यहां पे टच करेगा तो नीचे आएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा बोल के। और उसके बाद देख सकते दोस्तों मार्केट कहीं ना कहीं एग्जैक्टली वही रिएक्ट किया, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के आसपास आया, थोड़ा नीचे आया, जैसे ही ब्रेक किया अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो आज के लाइव एनालिसिस के लिए दोस्तों यही ड्रॉइंग दिया था, यहां पे ब्रेकआउट दिया, 200 पॉइंट का मोमेंटम मिला। तो लेवल के लिए और लाइव एनालिसिस के लिए लाइक बनता है यार, जाइए अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कल हमारा निफ्टी वीक निफ्टी में क्या लेवल एंड क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए, ठीक है। चलिए पहले बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी का कि निफ्टी में हमें क्या ट्रेडिंग प्लान बनना चाहिए। सिंपल सी बात है, कल के दिन के लिए भी बड़ा ही सिंपल सा व्यू है दोस्तों। कल के दिन समझ लीजिए फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, 17,112 के अगर ऊपर कल निफ्टी निकलना चालू किया देन डेफिनेटली अगेन 30 से 40 पॉइंट स्टॉप लॉस डाल के आप बाय कर सकते हैं, अगर कल के दिन 17,112 के ऊपर निकला तो। रीजन क्या है, रीजन बड़ा ही सिंपल सा, आप क्लियर कट देख सकते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं लाइक फ्राइडे का ही चार्ट है, आप क्लियर कट देख सकते हैं। फ्राइडे गैप ओपनिंग हुआ था, निफ्टी नीचे आया, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटा सा एक पुलबैक लिया और कहीं ना कहीं यहाँ पे ही एक रिसेंट रेजिस्टेंस क्रिएट किया निफ्टी 17,112 के लेवल से और अच्छा खासा निफ्टी गिर गया। आप क्लियर कट देख सकते दोस्तों कहीं ना कहीं आज भी निफ्टी ऊपर तो आया लेकिन क्लियर कट देख सकते हैं 17,112 के लेवल पे ही रेजिस्टेंस लिया, जो कि पिछली बार हमारा इस प्लेस पे रेजिस्टेंस लिया था और उसी लेवल से ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिर गया। तो बड़ा ही सिंपल सा व्यू है, कल के दिन अगर फ्लैट गैप ओपनिंग होकर अगर ये लेवल को तोड़ते हैं 17,112 तो आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा 17,115 और 17,115 अगर ब्रेक करता है तो आपको क्लियर कट टारगेट देखने को मिलेगा 17,191 तक, राइट। अगर 17,191 ब्रेक कर दिया तो समझ जाना कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड अपसाइड है लेकिन अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, राइट। और निफ्टी में हम सेल कब कर सकते हैं, देखिए दोस्तों कल के दिन अगर फ्लैट है फिर गैप डाउन ओपनिंग हुआ और 17,037 लेवल को अगर ब्रेक करता है देन डेफिनेटली आप सेल कर सकते हैं 17,037। क्यों मैं ये लेवल बोला, बड़ा ही सिंपल सा रीजन, आप क्लियर कट देख सकते हैं निफ्टी आज ऊपर आया, ये 17,037 का जो लेवल है आप क्लियर कट देख सकते दोस्तों, यहाँ पे एक रिजेक्शन 5 मिनट का कैंडल बनाया और थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर निफ्टी ऊपर गया। एग्जैक्टली यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस बनाया था क्लियर कट आप देख सकते हैं निफ्टी इसको ब्रेक किया एंड ब्रेक करके क्या क्या रिटेस्ट किया, अगेन कंफर्म किया, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेक करके अगेन रिटेस्ट करने मतलब सपोर्ट की जैसा काम किया, फिर मार्केट यहां से ऊपर उठ गया। तो कल के दिन दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगी जैसे ही ये लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा अगेन डाउन साइड का आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये पहले से रेजिस्टेंस था, अगेन यहां पे 2 बार सपोर्ट की जैसा काम किया, तो कल के दिन अगर ब्रेक करता है तो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। देखिए सिंपल बैंक निफ्टी में बड़ा ही सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान है, मैं आपको सेलिंग का नहीं तो पहले समझा देता हूं। कल के दिन दोस्तों देखिए सेलिंग के लिए मैं सच बोलूं तो 100 पॉइंट ही कहीं ना कहीं टारगेट है, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बहुत स्मॉल टारगेट रहेगा कल के दिन। तो सिंपल सी बात है, कल के दिन अगर गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग हुआ 34,923 लेवल के अगर नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हैं, टारगेट 34,791 100 पॉइंट का ही रहेगा। ये जो 34,791 लेवल है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कल के दिन अगर 34,923 ब्रेक करता है तो टारगेट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं 34,791, लेकिन कल के दिन अगर 34,791 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है और लोअर लो दिखाने लगता है तो कहीं ना कहीं अगेन बेरिश होने का चांसेस है, अगेन 100-200 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। ये जो 34,791 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि दोस्तों देखिए क्लियर कट आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 34,791 यहां पे कहीं ना कहीं आप क्लियर कट देख सकते हैं 2 बार मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी आया ऊपर गया टच किया फिर ऊपर आया नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं 2 बार रेजिस्टेंस लिया फिर निफ्टी के जैसा ही ब्रेक किया इसको रिटेस्ट किया मतलब
ये जो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था दोस्तों, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद अगेन सपोर्ट की जैसा काम किया और फिर मार्केट ऊपर उठ गया, तो ये क्लियर कट एक सपोर्ट की जैसा अगेन काम करेगा। तो कल के दिन अगर 34,791 के नीचे आएगा तो डेफिनेटली आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट अगेन ब्रेक हो जाएगा। होप सब कुछ समझ में आ गया। और 34,923 वैसे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है आज के दिन के लिए, क्योंकि मार्केट ऊपर तो गया फिर नीचे, इसी पॉइंट से ही कहीं ना कहीं ऊपर भागा, तो ये जो है ये बायर का लास्ट पॉइंट है। कल के दिन अगर इसके नीचे आता तो अगेन सब सेलिंग के मूड रख सकते हैं, ठीक है। तो बाइंग कब करना है देखिए दोस्तों, कल के दिन अगर समझ लीजिए फ्लैट है, फिर गैप ओपनिंग हो गया 35,140 के ऊपर अगर निकलता है तो टारगेट रख सकते हैं 35,327 तक, अगर 35,140 ब्रेक किया तो। क्योंकि जैसे निफ्टी में हम देखे थे दोस्तों, यहाँ पे भी वही सेम रूल है। देखिए फ्राइडे का ये चार्ट है, बैंक निफ्टी गैप ओपनिंग हुआ, अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया, पुलबैक मारा, फिर नीचे आ गया, तो ये जो पुलबैक मारा है दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर अभी भी अच्छा खासा एक्टिव है, राइट। तो ये सेम लेवल आ रहा है 35,140 पे, तो आप क्लियर कर देख सकते हैं यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हैं। और आज भी आप देख सकते हैं दोस्तों, एग्जैक्टली यही सेम लेवल को बैंक निफ्टी टच किया, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी आप क्लियर कट देख सकते हैं, दो बार टेस्ट कर चुका है। तो कल के दिन अगर समझ लीजिए दोस्तों, एग्जांपल लेते हैं, फ्लैट पर गैप ओपनिंग होकर अगर 35,140 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आप सेल कर सकते हैं। रीजन हमारे पास ये रहेगा कि दो दो बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस टेस्ट कर चुका है तो ऊपर जाएगा बोल के, और 35,327 के ऊपर और आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन आप बोलोगे ट्रेंड कब चेंज होगा, अगर 35,526 जिस दिन ब्रेक करेगा दोस्तों, तभी जाके समझ जाना कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। क्योंकि 35,526 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये बहुत ह्यूज सपोर्ट की जैसा पहले काम करता था। अगेन आप क्लियर कट देख सकते हैं, अगेन कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक सपोर्ट के जैसा काम किया ये प्लेस पे भी। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, दो बार सपोर्ट की जैसा काम किया और फाइनली यही रेजिस्टेंस के जैसा अगेन काम किया, क्योंकि यही सपोर्ट अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। तो दोस्तों 35,526 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर ही आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपको ट्रेंड समझ में आ गया, कहीं ना कहीं कल भी थोड़ा चौपीनेस रह सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारे प्यार दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।